So, hey, what's up, guys? Welcome back to the channel. आज हम बात करेंगे पठान के ट्रेलर के बारे में। बच्चे हो या फिर बूढ़े, सभी देखना चाहते हैं पठान। तो आज से लेके ठीक 23 दिन बाद 25 जनवरी को पठान सिनेमा घरों के अंदर दस्तक देने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों ट्रेलर कहाँ है, काफी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेलर हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो नए रिलीज डेट के अनुसार जो अपडेट्स आ रहे हैं कि जनवरी का सेकेंड वीक यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी 12 तारीख का वो डेट होगा। आप लोगों ने सुना होगा ये डेट, किस डेट के अंदर हमें पठान का ट्रेलर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ अपडेट के अकॉर्डिंग, यानी कुछ लोग ये बता रहे, दावा देके बता रहे कि इस डेट के ऊपर पठान का ट्रेलर आने वाला है। एंड वो डेट सुन के आप लोग भी एक तरफ से चौंक सकते हो, और कहीं ना कहीं जो डेट ये लोग बता रहे, जो लॉजिक इसके ऊपर बिठा रहे, वो कहीं ना कहीं रीजनेबल भी लगता है। वो आगे बात करेंगे कौन सा डेट है, और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि सीबीएफसी की तरफ से क्या रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आया है, और पठान मूवी का ऑफिशियल रन टाइम क्या है वो भी निकल के आया है, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर काफी सारे इन्फॉर्मेशन देने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो उससे पहले दास रिव्यूज चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आज सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी हमें 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें, तो प्लीज आज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं सीबीएफसी की तरफ से क्या रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आई है। आप लोगों को पता होगा कि सेंसर के अंदर पठान यहाँ पे फंस चुका था। उसके बाद पठान के मेकर्स को कहा गया था सेंसर बोर्ड के तरफ से कि कुछ सीन यहाँ पे आप लोगों को काटना होगा, ये सीन वो सीन। तो फाइनली ये चीज पता चल चुका है कि सीबीएफसी ने कौन से सीन्स को पठान मूवी से कट करने का मांग किया था। तो सबसे पहले बेशरम रंग जो सॉन्ग था उसके अंदर से बेशरम रंग किया है दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया इसके वालों ने, ऐसा कुछ लाइन था। उसके अंदर जो दीपिका पादुकोण का ये स्टेप था स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वो यहाँ पे कट किया गया है। उसके अंदर शायद से कुछ और सीन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। साथ साथ और एक सीन है, ये विशाला सीन भी यहाँ पे कट किया गया है। साथ साथ वो जो गेरुआ कलर वाला यानी ड्रेस वाला सीन था उसको भी यहाँ पे कट किया गया। अभी इनके ऊपर कौन से नए डांस को यहाँ पे ऐड किया गया या फिर क्या ऐड किया मुझे पता नहीं, गाना वही चलेगा लेकिन वो जो सीन है उसको सीन पर्टिकुलर सीन को यहाँ पे कट किया गया है। तो ये गाने का था, और मूवी के अंदर टोटल यहाँ पे 10 सीनों को यहाँ पे कट किया गया है। उनमें कुछ डायलॉग्स भी है और कुछ सीन्स भी है जिसको यहाँ पे कट किया गया है। और गुड न्यूज ये है कि इन सभी सीन्स को कट करने के बावजूद भी पठान मूवी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसी के साथ पठान मूवी का जो ऑफिशियल रन टाइम निकला है वो है 2 hours 26 minutes, यानी कुल 2 घंटा 26 मिनट का यह फिल्म होने वाला है। और बाकी डिस्क्लेमर और जो जो चीज होता है वो सभी चीजें ऐड करके ये 2 घंटा 30 मिनट प्लस ये हो जाता है, 2 घंटा 30-32 मिनट का ये होता है। और ऑफिशियल जो मूवी है वो 2 घंटा 26 मिनट का है। तो अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर, जो कि आप सब लोग भी जानना चाहते हो, यानी पठान का ट्रेलर। अपडेट के अकॉर्डिंग जनवरी के सेकेंड वीक यानी 12 तारीख को डेट बताया जा रहा है कि पठान का ट्रेलर आ सकता है। लेकिन कुछ अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहे, कुछ लोग ये बता रहे कि पठान का ट्रेलर 12 तारीख को नहीं उससे पहले ही हमें देखने को मिलेगा। आप लोगों को बता दूं इससे पहले पठान का जो टीजर आया था वो कब आया था, 2 नवंबर, जो कि शाहरुख खान का बर्थडे है, बड़ा चेहरा, उनके बर्थडे के अवसर पर टीजर को रिलीज किया गया था। और उसके बाद रिलीज हुआ बेशरम रंग जिसने रिकॉर्ड्स को तोड़ के रख दिया, यानी सॉन्ग को ब्लॉकबस्टर बनाने में जितना शाहरुख खान का हाथ है उतना ही दीपिका पादुकोण का भी है। दोनों का अगर यहाँ पे फॉलोअर्स की बात करें तो शाहरुख खान को काफी बढ़िया टक्कर यहाँ पे दीपिका पादुकोण दे देती है, यानी जितना बड़ा चेहरा यहाँ पे नाम यहाँ पे शाहरुख खान है, दीपिका पादुकोण भी कहीं पे कम नहीं है। तो बताया यही जा रहा है, थ्योरी यही लगाया जा रहा है कि अगर शाहरुख खान के बर्थडे के अवसर पे 2 नवंबर को टीजर को रिलीज किया गया है तो दीपिका पादुकोण का बर्थडे कहां पे है, 5th of January देख सकते हो। तो बताया यही जा रहा है कि 5 जनवरी को पठान का ट्रेलर आने वाला है। मैं नहीं बता रहा, ये लोग बता रहे, जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग थ्योरी लगा रहे बता रहे, कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे भाई, ट्वीट करके अलग लेवल चीजें कर रहे, और जो पॉइंट बता के ये लोग दावा कर रहे कि इस डेट के ऊपर ट्रेलर आएगा, कहीं ना कहीं ये उड़ा देने वाला भी नहीं है। हो सकता है अगर मेकर्स ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो दीपिका पादुकोण के बर्थडे के अवसर पे आपको ट्रेलर देखने को मिल सकता है, या फिर कोई ग्लिम्स या फिर पोस्टर तो आएगा ही, ये नॉर्मल सी बात है। तो क्या होगा मुझे पता नहीं, ये मैं नहीं बता रहा, ये आप पे फैंस बता रहे, ये आप लोग बता रहे, आप लोगों में से लोग बता रहे, शाहरुख खान दीपिका पादुकोण के फैंस बता रहे, और ये हाइप यहाँ पे उठ के आया कि 12 तारीख नहीं भाई 5 तारीख को ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस विषय क्या कहना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते। लेकिन एक बात तो साफ है, ट्रेलर आए या फिर ना आए, पठान का प्रमोशन ऐसे ही हो जा रहा है, और जो वायरल वाले है वो इतना शार्ट
बातें दिमाग लेके चीज कर रहे हैं कि ट्रेलर रिलीज ना करके भी जो हाइप इन लोगों ने क्रिएट कर दिया है, जो मार्केटिंग ये लोग कर रहे हैं, भाई साहब अलग लेवल। तो आप लोगों को इस विषय में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। तो 5 जनवरी वाला जो डेट है वो भी ऑफिशियल नहीं है, और जो सेकेंड वीक बताया जा रहा है 12 तारीख का डेट दिया जा रहा है जनवरी को आएगा, वो भी कोई ऑफिशियल नहीं है, वो भी लोग ऐसे ही कह रहे हैं। जो भी आपको बता रहे कि 12 जनवरी को आएगा दावा देके कह रहे, मेरे को अपडेट मिला है, वो भी ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ, कुछ सोर्सेस होते हैं जिनके तरफ से ये पता चलता है, लेकिन अभी सभी अफवाह ही है, हवा में ही बात किए जा रहे, कोई भी ऑफिशियल तरीके से कुछ आए नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, आप लोग क्या लगता है मुझे जरूर से बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, कुछ मेरे को पता चलता है इस चैनल के अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाकर और पे सिलेक्ट कर लेना, जैसे ही हम कुछ अपडेट देंगे आपके पास तुरंत आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, प्लीज सपोर्ट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।